खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मेघदूत आया। मध्य और उत्तर के साथ साथ पूर्वोत्तर में भी जबरदस्त मानसूनी बारिश हो रही है। मानसून ने करीब करीब अपनी कमी अब पूरी कर दी है, यानी इस बार अभी के हिसाब से ठीक ठाक बारिश हो रही है। लेकिन बारिश ने असम में अब बाढ़ का रूप ले लिया है। लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, मदद के लिए सेना को बुलाया गया है। तो वहीं बिहार के कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं, कई लोगों की तो मौत हो चुकी है। वहीं यूपी में भी बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है, नदियां उफान पर है। देखिए, असम और बिहार की दो तस्वीरें हैं, दोनों ही जगहों पर नदियां उफान पर नजर आ रही हैं और लगभग बाढ़ जैसे हालात असम में तो बन गए हैं, बिहार में कई जगहों पर ऐसे ही हालात हैं और बाढ़ का खतरा भी अब सता रहा है और जल भराव से लोगों को तमाम जगहों पर मुश्किलें हो रही हैं। असम में बाढ़ अब धीरे धीरे रौद्र रूप लेती जा रही है। और अब बता देते हैं आपको मानसून अभी कहां तक पहुंचा है। मानसून की बात करें तो मानसून अभी देखिए पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है मानसून। लगभग पूरे भारत को मानसून ने कवर कर लिया है, जो अगले 24 से 48 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा, जहां हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली में मानसून की बारिश हुई है अब तक, लेकिन वो बहुत कम हुई है। लोगों को उम्मीद है कि बारिश हो और दिल्ली में उम्मीद यही है कि कल तक मानसून पहुंचेगा और कल हल्की बूंदाबांदी हो सकती है दिल्ली में। और देखिए, नेपाल के तराई वाले इलाकों में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी बड़ी मार बिहार के कई इलाकों पर पड़ रही है। बिहार के करीब करीब दर्जन भर जिलों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। कोसी नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और खतरा बिहार में उन तमाम जिलों में है जो कोसी नदी से सटे हुए हैं। ये तस्वीरें दबे पांव आती तबाही का संकेत हैं। ये तस्वीरें हैं नेपाल से सटे जिले मधुबनी की। जयनगर में नेपाल से आती कमला नदी विकराल रूप लेती नजर आ रही है। गांव और शहरों में पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वजह है कमला नदी का उफान पर होना। पुल पर नदी का पानी छलक कर आने लगा है। यह है जयनगर के कमला पुल का पश्चिमी तट, जहाँ पानी पुल को भी पार कर रहा है। जगह जगह बांध से मिट्टी दरक रही है और बांध के टूटने का डर लोगों को सता रहा है, लोगों को आगे जाने से रोका जा रहा है। ये हाल हुआ है नेपाल के तराई इलाके में पिछले 6 दिनों से हुई भारी बारिश की वजह से। नेपाल में बारिश से मरने वालों की संख्या 28 तक जा पहुंची है। अभी कितने ही लोग लापता है। भारी बारिश होने की वजह से नेपाल में बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और इसी रास्ते तबाही बिहार में दाखिल हो रही है। बिहार को एक बार फिर से बाढ़ का डर सता रहा है। दरअसल बिहार और नेपाल के कई हिस्सों में पिछले एक हफ्ते से हो रही लगातार बारिश और नेपाल की तरफ से छोड़े जा रहे पानी की वजह से उत्तर बिहार के कई हिस्से फिलहाल पानी में डूब चुके हैं। नदियां अपने खतरों के निशान के करीब पहुंच गई हैं और यही वजह है कि उत्तर बिहार एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हमारी मौजूदगी भारत नेपाल सीमा पर बने कोसी बराज पर है। नेपाल से लगता बिहार का एक और जिला है मोतिहारी, यहाँ भी बाढ़ ने तांडव मचा दिया है। लालबकेया और बागमती नदी का बांध कई जगह टूट गया है, जिसके कारण दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है। पानी बढ़ना रात को शुरू हुआ, जिसकी वजह से लाखों का सामान पानी से बर्बाद हो गया। पानी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, पानी अपने साथ सड़क को भी बहा ले जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों के पास अपनी छत पर शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मोतिहारी अस्पताल का हाल भी ऐसा ही नजर आया, जहां एक परिवार बाढ़ में डूबी मासूम बच्ची का शव लेकर पहुंचा था, लेकिन यहां पहुंचने पर नजर आया कि अस्पताल खुद ही पानी में डूबा हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल नेपाल से सटे रक्सौल का हो रहा है। रक्सौल में आधा दर्जन गांवों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। शहर के सभी मुख्य मार्गों पर पानी भर चुका है। मोहल्लों में भी लोग पानी में ही आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से खतरा मंडरा रहा है कि आने वाले दिनों में ये पानी और चढ़ ना जाए।
तो बिहार का हाल आपने देखा, वैसे तो बारिश ने गर्मी से राहत दी है लेकिन कहीं कहीं बारिश मुसीबत भी लेकर आई है। आज भी बाढ़ की मुसीबत झेल रहे असम में भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा कहां कहां बारिश होगी आइए आपको वो भी दिखाते हैं और बताते हैं। देखिए, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश और बिहार, इन तमाम जगहों पर आज फिर बारिश होनी है। पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, इन तमाम जगहों पर तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो बारिश लगातार हो रही है, लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है लेकिन जिस तरह से बारिश कई जगहों पर मुसीबत बनती जा रही है उसको देखकर लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तर पूर्व के राज्यों में भारी तबाही मचा रखी है। बाढ़ से प्रभावित असम की हालात इस वक्त काफी खराब है। असम में बाढ़ के कहर से मंदिर और मूर्तियां ही नहीं, गुवाहाटी का चक्रेश्वर मंदिर भी बाढ़ में डूब गया है। तो ऐसा मंजर वहां बना कि मानो भगवान समंदर में बैठकर आराम कर रहे हैं। बारे में सिर्फ पौराणिक कथाओं में सुना था, आज उसे लोग साक्षात देख रहे हैं। शीर्ष नाग पर लेटे भगवान विष्णु और उनके साथ बैठी देवी लक्ष्मी। कहते हैं कि शीर सागर में भगवान विष्णु इसी तरह शेष नाग पर लेटकर आराम करते हैं, लेकिन ये सागर नहीं है बल्कि खतरे के निशान को पार कर गया ब्रह्मपुत्र का पानी है। इस पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि लहरें समंदर सी उठती मालूम पड़ती हैं। ये तस्वीरें गुवाहाटी के चक्रेश्वर मंदिर की हैं, जहां मंदिर का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा, सिर्फ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति ही दिख रही है। अब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि पानी का स्तर और ना बढ़े, क्योंकि इस मूर्ति के पानी में डूबने का मतलब होगा आसपास के कई इलाकों में पानी भर जाना। भगवान को कोशिश करेंगे बारिश मत दीजिए, और भी बारिश होगा तो और भी दिक्कत में आदमी लोग आ जाएगा। भगवान को सबको बचना है, हम लोग भी बचेगा, गांव में घर का आदमी लोग भी, वो लोग भी बचे। असम के ज्यादातर गांव में इन दिनों यही मंजर है। सड़क, गलियां, खेत और यहां तक कि कई मकान भी पानी के नीचे समा गए हैं। प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के लिए सिर्फ नाव ही एक जरिया रह गया है। एबीपी न्यूज की टीम जब असम के बरपेटा जिले में पहुंची तो पता चला कि तकरीबन एक हफ्ते से ये लोग पानी के बीच यूं ही फंसे हुए हैं। अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है, लोग मजबूरन अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। इस वक्त हम असम के बरपेटा जिले में हैं और यहाँ का ये देवरी टूसी गांव है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी है और ये जो मंजर है पिछले 4-5 दिनों से ऐसा ही स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ पे खेती का जो जमीन था वो भी पानी के नीचे चला गया है। हमारे साथ अलीमुद्दीन जी है, उनसे हम पूछेंगे, आप नाव चला रहे हैं, क्या स्थिति है, कितने दिनों से ऐसी बनी हुई है? 4-5 दिन हुआ ऐसा, ज्यादा बरखन हुआ इसीलिए ज्यादा नदी से पानी आया और ऊपर से पानी गिर गया इसीलिए पानी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इसीलिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। असम के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 23,000 हेक्टेयर खेतों में पानी भर गया है। 8,00,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ से 6 लोगों की जान चली गई। लोगों की मदद के लिए 61 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और 7,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। अभी तक करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से करीब 60,000 से भी ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंपों में लेके रखा गया है। और ऐसी जो स्थिति है, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि लोग यहाँ पे अपने घर बार छोड़ के भी कई लोग यहाँ से घर से बाहर जा रहे हैं और जाने का सिर्फ एक ही माध्यम बना हुआ है, वो नाव है। और यहाँ से नाव में चल के करीब 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद उनको रास्ता मिलता है, वहाँ से वो चलते हैं। और ऐसी स्थिति असम में कई जगहों पे बनी हुई है। ये तस्वीरें असम के डिब्रूगढ़ की हैं, जहाँ तक नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। जिन सड़कों पर पहले गाड़ियाँ दौड़ती थीं, वहाँ अब नाव चल रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली ना होने से लोग पानी के बीच अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इंसान तो फिर भी नाव के सहारे सुरक्षित ठिकानों की ओर चले जा रहे हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों के रहने के लिए जगह सिकुड़ती जा रही है। गांव-गांव जाके नौका लेके सामान को वितरण करना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा, इसीलिए उसको देखभाल करने के लिए, उसको जायजा लेने के लिए मैं खुद यहां पे हूं। और सीएम साहब से भी हमने सुबह में ही बात किया, उसको बताया पूरा हाल साल का जायजा हमने दे दिया उन लोगों को। उसने भी कहा कि हम
अगले साल जो ड्राई सीजन जब आएगा और ड्राई सीजन में उसका पूरा हाल निकलने के लिए कुछ करेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में भारी बारिश की आशंका जताई। साफ है कि बाढ़ प्रभावित इन इलाकों को पानी के कहर से जल्द आजादी नहीं मिलने वाली। और आइए अब आपको बता देते हैं कि देश में अब तक कितनी बारिश हुई है, जितना अनुमान था क्या उतनी बारिश हो गई है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, अब तक 246 मिलीमीटर बारिश हुई है और जो कि 12% कम है, जितनी होनी चाहिए उससे लगभग 12% कम है ये बारिश। और असम का हाल भी आपको बता देते हैं कि असम में जो बारिश हो रही है वो कितनी हुई है। असम में अभी तक आपको बता दें करीब करीब 246 मिलीमीटर से ज़्यादा यानी कि 565 मिलीमीटर बारिश असम में हो चुकी है और ये सामान्य से 10% कम है। और इस ऐसी हालत में वहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और आज भी असम और मेघालय में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। ऐसे में प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्था कर जरूर रहा है लेकिन सभी को सावधान रहने की जरूरत है।